नमस्कार। अब जब बाबा जी अपने भक्तों को ये कहकर चले गए कि अब की मंगलवार को थोड़ी सी जमीन खोदकर जगह बनाकर हरदा द्वारा बनाए गए हनुमान जी को बिठा देना, तो उसके बाद महाराज जी के 7-8 भक्त लालटेन लेकर पूरी पकवान मिठाई फल फूल धूप शंख घंटा और पूजा की बाकी सामग्री के साथ कुदाल फावड़ा लेकर मंगलवार की शाम को बजरी के पहाड़ पर हनुमान जी का विग्रह लेकर पहुंच गए। कई घंटों तक धसती हुई बजरी को खोदते खोदते बड़ी मुश्किल से हनुमान जी के विराजने लायक जगह बन पाई। फिर बड़ी धूमधाम के साथ घंटा घड़ियाल शंख ध्वनि और हनुमान जी और महाराज जी के जय जयकारों के बीच हनुमान जी के विग्रह की स्थापना मंगलवार के दिन रात को 12 बजते बजते संपन्न हुई। उसके बाद हनुमान जी को भोग लगाया गया, आरती गाई गई। जब आरती हो रही थी तो वहां अचानक से विकट आकार के बड़ी बड़ी सींग वाले दो सांड, एक काला और एक सफेद, एकाएक वहां प्रकट हो गए। ऐसा लग रहा था मानो एकादश रुद्र अवतार श्री हनुमान जी को नंदी अपने दोनों रूपों में, एक सात्विक रूप में और दूसरा रौद्र रूप में, खुद प्रणाम करने के लिए आए हों। अब ये सब देख करके वहां जो भक्तगण मौजूद थे उनमें से एक भक्त के मुंह से चीख निकल गई और उस चीख को सुनकर एक सांड तो वहां से तुरंत गायब हो गया और दूसरा तब गायब हुआ जब उसको भोग की पूड़ियां खिलाई गईं। पहाड़ों में इतने ऊंचे बड़े और स्थूलकाय सांड जल्दी नहीं दिखते हैं। खैर, इस तरह से हनुमान जी अपने लघु रूप में बजरंगगढ़ में विराज गए। अब वहां रोज सुबह शाम पूजा आरती और प्रार्थना होने लगी। हनुमान जी को तरह तरह के भोग अर्पण किए जाते। बाबा जी जब वहां पर दोबारा आए तो भक्तों ने उन्हें वो साड़ वाली घटना सुनाई, लेकिन बाबा जी ने उस घटना में छिपे हुए रहस्य को छिपाते हुए सिर्फ इतना कहा, अरे तुम लोगों ने पहचाना नहीं, वे दो सिद्ध थे जो हनुमान जी को प्रणाम करने आए थे। इससे ज्यादा बाबा जी ने इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे यहाँ महाराज जी के विभिन्न प्रकार की लीलाओं के साथ हनुमान गढ़ी ने अपना वर्तमान रूप लेना शुरू कर दिया। साथ में श्री सीताराम और लक्ष्मण जी का रघुनाथ मंदिर भी बन गया, एक शंकर जी का मंदिर बन गया और धीरे धीरे दूसरे भवन भी बनते रहे। यहाँ महाराज जी की प्रेरणा से भक्तों द्वारा वर्षों तक अखंड नाम कीर्तन श्री राम जय जय राम का भी पाठ चलता रहा। वहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों के मन में यही शंका बनी रहती थी कि बजड़ी के इस कच्चे पहाड़ पर यह मंदिर बन पाएगा भी कि नहीं, और अगर बन गया तो ठहर पाएगा कि नहीं, और चलो ठहर भी गया तो ऐसे इस जगह पर यह मंदिर बना हुआ है कि ये स्थान जनसाधारण द्वारा मान्यता प्राप्त कर पाएगा कि नहीं। लेकिन महाराज जी की मनसा शक्ति के सामने प्रकृति भी क्या कर सकती थी। एक की जगह तीन तीन मंदिर बन गए और भी कई दूसरे भवन बन गए जो आज भी वैसे ही अपनी जगह पर खड़े हैं। यही नहीं, मंदिर बनने के तुरंत बाद ही जो बजड़ी वाली पगडंडी थी उसकी जगह पर मंदिर के द्वार तक पहुंचने के लिए बजड़ी के पहाड़ की परिक्रमा सी करती हुई एक पक्की रोड भी बन गई जिस पर भारी वाहन भी अब चलते हैं। आज तो इस मंदिर की भक्तों और जनसाधारण की मनोकामना पूर्ति के लिए प्रख्यात रूप से मान्यता भी हो चली है। अब हनुमान जी का एक बड़ा विग्रह सीमेंट से बनना था। इसके लिए महाराज जी की आज्ञा अनुसार लाखों की संख्या में राम नाम लिखा गया और भक्तों से राम नाम लिखे इन कागजों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर गारे में मिला दिया गया। अब हनुमान जी का सब कुछ तो बन गया था लेकिन मुख नहीं बन पा रहा था। इसी वजह से कारीगर भी हताश हो रहे थे और भक्तों के मन में भी निराशा आने लगी थी। सभी लोग महाराज जी से मन ही मन प्रार्थना करने लगे। तभी एक भक्त की छोटी सी बेटी को सपने में महाराज जी के आवाज में एक आकाशवाणी सुनाई पड़ी। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। ये संपुट लगाकर अखंड रामायण का पाठ सुनवाओ हनुमान जी को। छोटी सी बच्ची ने ये बात जाकर के तुरंत अपनी माँ को बताया। फिर उसी परिवार ने सबसे पहले
और उसके बाद फिर बाकी भक्तों ने भी इसी संपुट के साथ अखंड रामायण का पाठ हनुमान जी को सुनाया। इसके बाद फिर क्या, एक ही सप्ताह के अंदर अंदर हनुमान जी का मुखमंडल भी बन गया और भक्तों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। ये भी महाराज जी की अन्य लीलाओं के साथ एक और लीला थी। कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।